बच्चा पाटी, यहाँ पे अपन एक पोएम का एनालिसिस पढ़ेंगे, समरी फिगर्स ऑफ स्पीच। और ये पोएम बेसिकली आपका एनिमल्स पे है, ठीक है? आपके सीबीएसई में शायद एनिमल्स पे दो पोएम है ना, है ना? एक है, नहीं, टाइगर इन द जू नहीं है, हाउ टू, हाँ, और ये वाला एक एनिमल्स का ऐसे, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज दिस पोएम ऑल अबाउट? तो इसमें बेसिकली पोएट वाइल्ट वाइटमैन का है, फ्री वर्स का पोएम है ये। और इसमें इन्होंने बोला है कि कैसे इंसानों से बेहतर जानवर है। भाई साहब, तुम किधर थे? हाँ, ये दोनों इधर डिस्ट्रीब्यूट देना। सो हाउ एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, ठीक है? तो यहां पे देखो, एनिमल्स, इन्होंने ये दर्शाया है कि कैसे एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, ठीक है? बेटर देन ह्यूमंस। तो इन्होंने बोला कि देखिए, ह्यूमंस से बेटर क्यों है? क्योंकि हम ह्यूमंस जो है वो रिलीजियस होते हैं, हम ह्यूमंस अपने फोर फादर्स का वर्शिप करते हैं, ठीक है? हम ह्यूमंस ये सब कुछ करने के बावजूद भी वी डू नॉट हैव एनी कंसिडरेशन फॉर नेचर। हम ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, हम एंग्जाइटी में रहते हैं, ठीक है? एंड दीज आर थिंग्स विच आर नॉट नोटिस्ड इन एनिमल्स। तो इसीलिए इन्होंने एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में एक डिफरेंस को दर्शाया है, ठीक है? ये पोएम एक बहुत सिंपल सा पोएम है, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस, ठीक है? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका भी यूजेज नहीं हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का एक सिंपल सा पोएम है, ठीक है? इट्स वेरी सिंपल पोएम, सो विल गो अहेड विद दिस। वॉल्ट व्हाइटमैन, हु वाज वॉल्ट व्हाइटमैन बेसिकली, ठीक है? वॉल्ट व्हाइटमैन लिव बिटवीन 1819 टू 1892, मतलब 1900 भी क्रॉस नहीं किया था, बहुत पुराने जमाने के पोएट हैं। अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोएट्री इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वाज राइम्ड एंड मेट्रिकल। राइम्ड या मेट्रिकल मतलब क्या था, होता है कि राइमिंग स्कीम को सबको मालूम है, राइट? व्हाट इज राइमिंग स्कीम? मतलब जब भी आप कोई पोएम लिखते हैं, ज्यादा करके उनमें एक राइम पैटर्न होता है, तभी हम उसको जनरली एक पोएम के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं या बोलते हैं कि ये पोएम है। लेकिन इन्होंने फ्री वर्स में लिखा है, ठीक है? फ्री वर्स मतलब समझ में आता है, व्हाट डू वी मीन बाय फ्री वर्स? मतलब कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसकी, इस पूरे पोएम की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? ओके, इन एन एज व्हेन ऑल पोएट्री वॉज राइम्ड, ज्यादा करके उस टाइम के जितने भी कंटेम्प्ररी पोएट्स थे, ठीक है, द पोएट्स ऑफ हिज टाइम एक्चुअली रोट पोएम्स विच वेर राइम्ड, ठीक है, एंड मेट्रिकल। व्हाइटमैन मेड अ ब्रेक विद ट्रेडिशन एंड रोट अ रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोएट्री इन फ्री वर्स। तो इन्होंने भाई साहब ट्रेडिशन को तोड़ा, मतलब ये जो राइमिंग स्कीम में पोएम्स को लिखने की जो प्रथा चली आ रही थी, ही एक्चुअली ब्रोक दैट स्कीम, ठीक है? ट्रेडिशन को तोड़ा एंड ही रोट अ रेवोल्यूशनरी, मतलब थोड़ी सी बगावत लाई पोएम के राइटिंग में, एंड ही रोट पोएम्स इन फ्री वर्स। फ्री वर्स मतलब जिसका कोई राइमिंग स्कीम नहीं होता है, एनी पोएम दैट इज रिटन इन फ्री वर्स डजंट हैव अ राइमिंग स्कीम, ठीक है? तेरे नोटबुक से कोई वो प्रॉब्लम है? ओके, ही वर्स मैं तो कैसे बैठे रहते हैं, मतलब पिक्चर ही देखने आए भाई साहब, रिक्लाइनर मिल जाए भाई साहब, पॉपकॉर्न वगैरह मिल जाए। ही वॉज अ नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। वॉट डू यू मीन बाई नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट? एनी वन? नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब तू गधा है, हाँ है ना? मैं यहाँ पे जो भी बोलूँ आप जैसे मुंडी हिलाते हैं, ठीक है? तो क्योंकि मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूं, लेकिन अगर बाहर भी आप जो भी कोई भी इंसान बोले हाँ हाँ, जो हाँ में हाँ मिलाता रहे, ठीक है, उसका खुद का वजूद, मतलब उसका खुद का स्टैंड कम है। ऐसा नहीं कि हर चीज में ना बोलना है, लेकिन अगर ऐसे भी इंसान आप देखोगे कि लोगों की हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं हर चीज में, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फर्मिस्ट। दे डू नॉट क्वेश्चन थिंग्स, दे डू नॉट क्रॉस एग्जामिन थिंग्स, दे जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। ऐसा होता आया है तो जरूर ये सही होगा, ठीक है? इसको अपन कॉन्फर्मिस्ट बोलते हैं। और नॉन कॉन्फर्मिस्ट मतलब जो हटके चलते हैं, भाई साहब क्यों, इसका वजूद क्या है, वाई इज दिस हैपनिंग, इसका रीजन क्या है। दे ट्राई टू डिग डीप एंड फाइंड आउट द रीजन, दे ट्राई टू क्वेश्चन थिंग्स, ठीक है? सो इनका भी एटीट्यूड कुछ ऐसा ही था, ही वॉज अ नॉन कॉन्फर्मिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। अपने सोशल लाइफ में सिर्फ जो लिखते थे उसी में वो अपने नॉन कॉन्फर्मिस्ट एटीट्यूड को नहीं झलका रहे हैं, अपने खुद के सोशल लाइफ में भी वो एक नॉन कॉन्फर्मिस्ट थे, वो लोगों की हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं थे, ठीक है? मतलब जो चल रहा है वही ठीक है, ऐसा मानना हो सकता है जो चल रहा है वो ठीक ही है, लेकिन एक्चुअली में एनालाइज करके उस चीज को मानना और बस
चल रहा है तो वो ठीक ही होगा, ऐसे मान लेना, इन दोनों में काफी फर्क है, ठीक है। सो ही वॉज अ नॉन कॉन्फर्मिस्ट। द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स। तो इनको लग रहा है कि भाई साहब अगर हम एनिमल्स के साथ हैं तो शायद ज्यादा मोर एट होम है, ठीक है, ज्यादा नेचुरल है देन ह्यूमंस हुम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड। ह्यूमंस को ये कॉम्प्लिकेटेड फाइंड करते हैं और फॉल्स भी। फॉल्स क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर आप ह्यूमंस को देखोगे तो पूजा पाठ करते हैं, अपने पूर्वजों की दुहाई देते हैं, लेकिन जितने भी निकृष्ट काम है वो भी करते हैं, ठीक है। एनिमल्स लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है पोएम में भी। दे आर नॉट यू नो दे डू नॉट पे देयर ओबीडियंसेस टू गॉड बट दे डू व्हाट नेचर प्रोपेल्स देम टू डू, ठीक है। दे आर नॉट लाइक ह्यूमंस, ठीक है। इसी मतलब इस पोएम को हम स्टार्ट करें, मार्क ट्वेन उस टाइम के बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे, ठीक है। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, इनके भाई साहब एक बहुत एक इनका अनूठा सा लेख है, ठीक है। द मोर आई लर्न अबाउट पीपल द मोर आई लाइक माई डॉग अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। जितना मैं लोगों को जानने की कोशिश करता हूं उतना ही मुझे लगता है कि मेरा कुत्ता अच्छा है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमंस आर लाइक दैट, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ सो मेनी फ्लॉज इन द ह्यूमन सोसाइटी एंड यू नो सो मच ऑफ सेल्फिशनेस एंड यू नो कट थ्रोट एटीट्यूड ऑफ ह्यूमंस, इट्स बेटर टू स्टे विथ ह्यूमन, इट्स बेटर टू स्टे विथ एनिमल्स, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। ओके, द पोएम एनिमल्स इज फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, ठीक है। ये बेसिकली इन्होंने एक एक वर्स लिखा था, उसमें से इसको उठाया गया। ये जो पोएम है, ठीक है, द पोएम अबाउट एनिमल्स इज फ्रॉम हिज वर्क सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, किसका? वॉल्ट व्हाइटमैन का, ठीक है। वॉल्ट व्हाइटमैन ने जो लिखा था उनका ही भाई साहब उसमें से उठाया गया है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास, इन दिस पोएम द पोएट वॉल्ट व्हाइटमैन एडमायर्स एनिमल्स फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बींग्स। उन्होंने भाई साहब बोला कि एनिमल्स आर फार फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और उन्होंने कन्विंसिंग कुछ मुद्दे भी रखे हैं जिसके वजह से इन्होंने इस कंक्लूजन पे ये अराइव किया है इन्होंने कि एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमन बींग्स। द पोएट विशेस टू लिव विद एन एनिमल एंड टू एक्सपीरियंस अ लाइफ वेयर नो वन कंप्लेन्स एंड वेयर एवरी वन इज फ्री ऑफ सिंस एंड सोरोस, ठीक है। तो इन्होंने इस पोएम में दर्शाया है कि विद एन एनिमल ये एनिमल्स के साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल है पूरे पूरे, ठीक है। खुश तो खुश, दुखी तो दुखी, एंड वेयर नो वन कंप्लेन्स, यहाँ पे भाई साहब उनका कंप्लेनिंग नेचर नहीं है, ठीक है। एंड वेयर एवरी वन इज फ्री ऑफ सिंस, सिंस मतलब क्या है? पाप, ठीक है। और हमारे जो यू नो पाप के डेफिनेशन से वो बड़े अजीब है, ठीक है। हम बहुत बड़े बड़े कुकर्म कर लेते हैं लेकिन उनको पाप की संज्ञा में नहीं डालते हैं। शराब पीना पाप है, सिगरेट पीना पाप है, ऐसे कुछ चीजों को हमने पाप माना है, है ना। तो शराब पीना हेल्थ के लिए खराब है लेकिन पाप नहीं, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं, अनचाहा बुरा कर रहे हैं, तो वो शायद पाप है, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे पाप की गरीब, जैसे सावन का महीना होगा, आप पियेंगे नहीं, नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो अब तक खा रहे थे, अब तक पी रहे थे, जो भी है आपका आपका मामला है ये। बट हमारा जो पाप और पुण्य का डेफिनेशन है वो इसमें बताया है इन्होंने कि सिंस, हम जिनको मानते हैं कि ये सिंस हैं, हमारे लिए पाप हैं, ठीक है। हमारे अलग अलग धर्म ग्रंथों में पाप की परिभाषा अलग अलग है, ठीक है। तो जैसे शराब को हमने, शराब पीने को हमने, मदिरा पान को हमने पाप की संज्ञा दी है, लेकिन उसमें आप किसी और का नुकसान शायद नहीं कर रहे हैं। हाँ, पीने के बाद कोई तांडव आपने कर दिया तो शायद नुकसान होगा, लेकिन पीने से आपका मतलब इसको आप बोल सकते हैं बुद्धि भ्रष्ट कार्यक्रम है ना, आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, आप बेवकूफी कर रहे हैं लेकिन पाप नहीं कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग चीजों के लिए हमने जो छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े चीजें हैं उनको हम पाप की संज्ञा नहीं देते। किसी के साथ हमने वैसा धोखेदाजी कर दी, किसी का पैसा हड़प लिया, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, कोर्ट केसेस में चले जाइए भाई साहब, कितने पेंडिंग केसेस हैं, धोखेबाजी की कितने ही पेंडिंग केसेस हैं। तो ये सब पाप में क्वालिफाई होते हैं जिसको हम करने से झिझकते नहीं है, और छोटी छोटी बातों में अरे सावन का महीना मैं पीऊंगा नहीं, पाप हो जाता है, अभी तक क्या कर रहे थे, ठीक है। सो अलग अलग परिभाषाएं हैं, ठीक है। बट दिस इज व्हाट इज फील्स दैट वॉट एवर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, एनिमल्स आर फ्री ऑफ सिंस। उनको भूख लगी, उन्होंने मार के खा लिया, उनको भूख लगी वैसा उन्होंने मार के खा लिया, यही प्रकृति का नियम है, यही उनके बॉडी का ढांचा है, ठीक है। दैट इज देयर रिक्वायरमेंट, सो दे आर फ्री ऑफ सिंस एंड ऑफ सॉरोज एज वेल। अभी एनिमल्स का दुख नहीं है, ठीक है, एनिमल्स की पीड़ा है लेकिन दुख नहीं है। लेट्स से किसी एनिमल को भूख लगी है और उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो ये उसका दुख नहीं है, ये उसका पीड़ा है, लेकिन हमारे अंदर दुख है, ठीक है। हमारे अंदर रिलेशनशिप्स को लेकर दुख है, हमारे अंदर एक दूसरे के साथ गलत करने के लिए दुख है,
कोई चीज हमारे अनुसार नहीं हुआ उसके लिए दुख है, ठीक है। सो अलग अलग सॉरोज में वी आर बेसिकली विक्टिम्स ऑफ सॉरोज, ठीक है। ये सॉरोज जो है ये दुख है, मतलब समझ लीजिए अगर किसी पिता के बच्चे ने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं किया तो उसको दुख हुआ, ठीक है। ऐसा सॉरो एनिमल्स नहीं फील करते, ठीक है। दे हैव देयर बॉडी पेन्स, दे हैव देयर एज जैसे हमारा होता है वैसा बॉडी पेन्स, मतलब उनको भी भूख लगती है या उनको चोट लगी तो उनको भी दर्द होता है, बट दे डू नॉट सफर फ्रॉम सॉरोस एज वी ह्यूमंस डू, ठीक है। सो ये सब डिफरेंसेस बताए हैं। तो ह्यूमन लाइफ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा दर्शाया है उन्होंने अपने पोएम में। अरे बाप रे क्या हो गया भाई साहब, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू एडमायर हाउ गुड एनिमल्स आर बट टू कंपेयर ह्यूमंस विद देम इन ऑर्डर टू फोकस ऑन द फ्लॉज ऑफ देयर नेचर, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एनिमल्स कितने अच्छे हैं, लेकिन एनिमल्स में ऐसा क्या नेचर है जो अगर हमारे अंदर भी होता तो अच्छा होता, ऐसा पोएट दर्शाना चाहता है, ठीक है। ओके, द पोएट बिलीव्स दैट प्रॉब्ली अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो ह्यूमंस पोजेस्ड ऑल द क्वालिटीज। तो ये पोएट का मानना है इस पोएम में कि शायद बहुत बहुत सालों पहले, ठीक है, ह्यूमंस में भी एनिमल लाइक क्वालिटीज हुआ करती थी, जैसे कामनेस, ठीक है, मतलब इत्मीनान रखना, द लैक ऑफ ग्रीड, लालचीपना ना होना, एंड द एबिलिटी टू स्टे हैप्पी एंड द एबिलिटी टू, पेट भर गया भाई साहब कुछ रहो, ठीक है, बट दे हैव नाउ लॉस्ट देम। तो धीरे धीरे हमारे हमारे अलग अलग प्रवृत्तियों की वजह से वी हैव लॉस्ट दीज क्वालिटीज विच आर स्टिल देयर इन एनिमल्स। दिस इज वॉट द पोएट फील्स, ठीक है। God shaped man and animals for dwelling on earth. Walt Whitman, the great American poet, believes animals are better than men. The poet appreciated some qualities in animals which humans don't have. ठीक है, तो ऐसे कुछ qualities हैं जो humans में नहीं हैं. He expressed his observation about animals and man through his poem Animals. ठीक है, तो इसमें उन्होंने भाई साहब animals पे, Walt Whitman is very fond of the company of animals. So, इनको भाई साहब एनिमल्स की कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लगती है तो अच्छी बात है भाई साहब, ठीक है। वेरी फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ एनिमल्स, द पोएट डिजायर्स टू लिव अमंग द एनिमल्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ सफिशिएंट। ये भाई साहब काम भी रहते हैं और सेल्फ सफिशिएंट भी है, अपने हिसाब से अपना जीवन ये चला लेंगे, ठीक है। दे आर सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। दे डू नॉट वाइन एंड वीप, वाइन मतलब क्रिप करते रहना, किर 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 करते रहना, ठीक है। सो दे डू नॉट वाइन एंड वीप अबाउट देयर कंडीशन, तो ये भाई साहब वाइनिंग नेचर नहीं है इनका, हर समय किर 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 करते रहना ऐसा नेचर नहीं, ठीक है। दे डू नॉट कीप ऑन क्रिबिंग अबाउट देयर कंडीशन, ठीक है। इफ दे आर फीलिंग थर्स्टी और इफ दे आर फीलिंग हंग्री दे विल फेच आउट देयर, वो अपना कर लेंगे भाई साहब, ठीक है, बट दे डू नॉट क्रिब अबाउट इट, ठीक है। एनिमल्स स्पेंड ठीक है, द पोएट बिलीव दैट प्रॉब्ली अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो ह्यूमंस पजेस्ड ऑल द क्वालिटी, हो गया ना भाई साहब, ये भी हो गया ना, हाँ। सो दे डू नॉट वाइन, वाइन मतलब क्रिब करना, ठीक है, एंड वीप, वीप मतलब रोना अबाउट देयर कंडीशंस, ये अपने कंडीशंस के बारे में हाथ पैर फैला के भाई साहब रोने नहीं लेते, ठीक है। आपने देखा होगा एनिमल लाइफ, अगर आप देखेंगे, अगर उनका कोई फैमिली वाला मर भी जाता है या किसी शेर ने खा लिया तो क्या करेंगे, चलना है बेटा, चल जाते हैं वो, ठीक है। दे उनको मालूम है कि यही नेचर का नियम है, ठीक है, आज नहीं तो कल भाई साहब कोई भी स्ट्रांग शेर किसी का भी शिकार कर सकता है, कोई भी स्ट्रांग कुछ भी हो सकता है, वो डूब के मर भी सकते हैं। दे नो अबाउट दीज इवेंचुअलिटीज इन लाइफ, सो इट डजंट इंपैक्ट देम, वो चलते रहते हैं भाई साहब, ठीक है। सो हम लेकिन छोटी छोटी, हमारा यहाँ पे भाई साहब चलो किसी के मर जाने पे तो दुख होता ही है, लेकिन छोटी छोटी बातों का भी हम बहुत बड़ा तांडव बना रहते हैं, ठीक है। ओके, से डू नॉट वाइन एंड वीप अबाउट देयर कंडीशंस, हम भाई साहब चीजों को बहुत बहुत तीव्रता से चाहते हैं, लेकिन जब वही चीजें हमको मिल जाती हैं तब उसी तीव्रता से उसके साथ नफरत भी करने लगते हैं शायद। कितने ही भाई साहब मैरिजेस होते हैं, लव मैरिजेस होते हैं, फिर उन्हीं का भाई साहब डिवोर्स भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर देखोगे तो ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस की कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है।
एनिमल्स स्पेंड अ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड पीस, दे डू नॉट पोजेस एन ऑब्सेशन विद पोजेसिंग थिंग्स. तो इनके हमारे पास जो पोजेशन, जैसे समझ लो कोई शेर अगर अभी अभी शिकार करके उसका पेट भरा हुआ है और वो बैठा हुआ है और उसके सामने से भाई साहब कोई डियर का या कोई भाई साहब बाइसन का झुंड चला भी जाए ना, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा. उसके सामने से अगर चला जाए, वो इतना सारा खाना जा रहा है उसके सामने, ठीक है, कुछ नहीं करेगा वो, इट विल जस्ट लीव इट बिकॉज इट्स स्टमक इज फुल, तो वो नहीं करेगा. लेकिन हम अगर भाई साहब मेरा पेट भरा हुआ है और ये भाई साहब गुलाब जामुन लेकर जा रहे हैं, दो पीस हमको दे दो तो फ्रिज में डाल देंगे, कल खाएंगे भाई साहब, है ना. तो वी लाइक टू पोजेस थिंग्स, ठीक है, आज का नहीं हम कल का भी सोच लेंगे, परसों का भी सोच लेंगे, ठीक है. सो इतना ज्यादा ग्रीड है हमको, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एनिमल्स. सो वी जनरली टेंड टू पोजेस थिंग्स, दे डू नॉट शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये भाई साहब रिस्पेक्ट नहीं दिखाते. ऑल्सो दे इवन डू नॉट रिस्पेक्ट देयर थाउजेंड ओल्ड डिसेंडेंट्स. अभी ये थाउजेंड ओल्ड डिसेंडेंट, जैसे आप लोगों को मालूम होगा अभी पितृपक्ष का वो चल रहा है, ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस, मैं भी ज्यादा नहीं जानता हूं और जानने की इच्छा भी नहीं रखता हूं, खैर वो दूसरी बात है. लेकिन ऐसे पितृपक्ष में भाई साहब हम अपने पितरों को पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ गलत चल रहा है जो नहीं होना चाहिए तो शायद वो आकर उसको ठीक कर दें, वॉट एवर इट इज, ठीक है. तो हम अपने थाउजेंड ओल्ड डिसेंडेंट्स, बहुत साल पहले पूर्वजों की भी पूजा करते हैं. एनिमल्स का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है, दे आर वेरी रॉ एंड दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, ठीक है. सॉरो एंड हैप्पीनेस आर इक्वल टू देम, तू भाई साहब सॉरो एंड हैप्पीनेस आर इक्वल टू देम फॉर एनिमल्स, सॉरो एंड हैप्पीनेस आर इक्वल टू देम. इनमें दुख और खुशी ऐसा कुछ नहीं होता, इनका जो नेचर है उसके ऊपर है ये. इनको भाई साहब जैसे भूख लगती है वैसा है, दुख और खुशी से ये अभी भी परे हैं. हमारे जैसे चीजों पे हम दुखी या खुश होते हैं, वैसे इन चीजों से ये परे हैं. आपके अक्वेंटेंसेस में या आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उनको आप देखकर ही बता सकते हैं आज ये इंसान दुखी है या खुश है, देखकर बता सकते हैं, राइट, हाउ, बिकॉज इट इज सो ऑब्वियस, हमारे फेस पे ही आ जाता है. किसी कुत्ते को या शेर को देखकर आप बता सकते हैं कि दुखी है या खुश है, नहीं बता सकते, राइट, बिकॉज दे डू नॉट गेट, दे इनके इन इमोशन से इनका कोई लेना देना नहीं है, इन इमोशन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. सो दे आर इमोशनलेस, सॉरो एंड हैप्पीनेस आर इक्वल टू देम. आपको क्या लगता है, एक कुत्ता अगर किसी पे भौंक रहा होगा, अभी देखो कि समझो अगर एक गली में कुछ कुत्ते हैं और एक और कुत्ता आ गया तो उसके ऊपर भौंकने लगते हैं ये, क्यों, आपको क्या लगता है, ऐसे गुस्सा आ रहा है उनको, अरे इसका थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, चिल्लो, ठीक है, बहुत नेचुरल सा कॉज है, ठीक है. देखो एक कॉलोनी में जो कुत्ते रहते हैं तो वहां पे जो भी खाना जो भी देता होगा उनको वो खाना बढ़ता है उन चार पांच में, एक और अगर एडिशनल आ गया ना तो उनको मालूम है अभी हमको कम खाना मिलेगा, ये उनके भौंकने का कारण है, ठीक है. दिस इज द रियल रीजन व्हाई दे एक्चुअली शाउट, ये एक साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन है. भाई साहब कद्दू कटेगा बटेगा भाई साहब, तो जो खाना अभी तक पांच में बट रहा था अभी छह में बटेगा, मतलब मेरे को मेरा हिस्सा कम मिलेगा, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं कि नहीं भाई साहब इसको एंट्री मत दो, ठीक है, विच इज अ वेरी रैशनल. ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर उसका कोई खुन्नस है, ऐसा है कि भाई साहब अभी खाना ज्यादा डिवाइड होगा मेरा हिस्सा कम हो जाएगा, ठीक है. सो छोटी छोटी चीजों में देखोगे कि एनिमल्स आर वेरी रैशनल बिकॉज देयर डिसीजंस आर नॉट क्लाउडेड बाई इमोशंस, उनके डिसीजन में कोई इमोशनल क्लॉज नहीं रहता है, दे आर नॉट क्लाउडेड बाई इमोशंस एट ऑल, ठीक है. So sorrow and happiness are equal to them, whereas humans are crazy about material things. Actually ye word crazy use hua hai isme, theek hai, we will see ki kaise unhone ye word ko use kiya hai. Material things matlab jin cheezon ko ek din chhod kar jana padega unke piche bhai sahab daud rahe hum, theek hai, daudna achhi baat hai lekin usi mein involve ho jana aur usi ko satya maan lena ye galat ho jata hai, theek hai. Humans like awake at night, theek hai, lie awake at night, they cry for the wrong that they have done, bada pastava hota hai inko, और जिसको जितना ज्यादा पछतावा होता है वो उतना ही पाप करता है, ठीक है. हमने पता नहीं क्या क्या नियम बांध रखे हैं कि है ना ये पाप हो गया है हमसे, चलो प्रायश्चित करने जाते हैं, कोई मक्का जा रहा है प्रायश्चित करने भाई साहब, कोई भाई साहब गंगा जा रहा है नहाने जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, गंगा में डुबकी मारने जा रहे हैं. सम देयर आर सो मेनी थियोरीज अबाउट गेटिंग रिड ऑफ ऑल आवर सिंस, लेकिन पाप करने की अगर आपकी वृत्ति होगी तो आप फिर से करेंगे ना, अगर वो नेचर का कुछ नहीं कर सकते, आपके नेचर में अगर होगा झोल करने का है धोखा देने का है तो आप फिर से करेंगे. चलिए हम ऐसा मान भी लेते हैं कि आपने गंगा नहा लिया तो आप पाप से मुक्त हो गए, लेकिन पाप करने की वृत्ति से मुक्त नहीं हुए हैं, वो फिर से करेंगे आप, इट विल हैपन, ठीक है. सो ऐसे हमने तमाम तरकीबें बना ली है
जैसे क्रिश्चियंस में होता है कि इफ दे गो हेड एंड आपके चर्च में अपने अपने फादर के पास जाकर अपने डीड को कन्फेस करते हैं, ठीक है, कि मैंने ये गलत काम किया है, इसका मुझे अभी क्या प्रायश्चित करना रहेगा, तो फादर वो बोलते हैं उनको क्या करना, ये पर्सनल डिस्कशन होता है, ठीक है, मतलब फादर एक ऐसा रूम रहता है और इधर बैठे रहते हैं ये, तो अलग अलग तरीके हैं। हिंदुओं ने मान रखा ये पाप का पैसा, गंगा नहाओ, यमुना नहाओ, ठीक है, ये तीर्थ यात्रा करो, इससे तुम मुक्त होगे। मोहम्मडंस में भी वैसा मक्का का जाते रहते हैं पाप से, ठीक है, तो हरेक को ये पाप का बर्डन है, हरेक के दिमाग में है कि हमने जीवन में बहुत पाप किए हैं, जब कर रहे थे तब एहसास नहीं था, अभी भाई साहब ये कार्यक्रम बना रहे हो, ठीक है, बनाओ, लेकिन ये जो है इसमें ही हम आधे टाइम पे यही सोचते रहते हैं, यार हमारे जीवन में खराब हो रहा है, जरूर हमने कोई पाप किया रहेगा, किया रहेगा, हाँ हो रहा है, लेकिन अभी तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। दे हैव डन, एट लास्ट दे लूज देयर टेम्पर ओवर ट्रिफल्स, ठीक है, तो छोटे छोटे बातों पर टेम्पर लूज होता है हमारा। एनिमल्स आर क्वाइट हैप्पी, दे डोंट आइडल अवे देयर टाइम फॉर डिस्कसिंग देयर ड्यूटीज टू गॉड, तो ये भाई साहब अपना समय भगवान के लिए खराब नहीं करते हैं, ठीक है। अभी भगवान के लिए खराब करना मतलब कैसा है, यहाँ पे जैसे हमने अगर समझ लो पूजा पाठ कर लिया थोड़ा बहुत, या यू नो जो भी है आपके रिलीजियस कार्यक्रम कर लिए, तो आपको लगता है एक अच्छा फीलिंग आता है, आपने कुछ अच्छा काम किया है, हो सकता है आए, ठीक है, बट एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं होता है, इनको मतलब पाप से आप मुक्त हो गए अगर भगवान का कुछ कर लिया, तो ऐसा जो फीलिंग ह्यूमंस में आता है ऐसा एनिमल्स में नहीं आता है, पहली बात, तो पाप की कोई परिभाषा उनके लिए होती नहीं है, ठीक है, तो उससे मुक्त होने का भी उनका कोई प्रयास नहीं होता है, ठीक है, दे डू नॉट मेक एनी अटेम्प्ट्स टू गेट रिड ऑफ इट, एंड हेंस दे नेवर गेट कनेक्टेड टू गॉड, ठीक है। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल लाइफ विच द पोएट लाइक्स एंड पोर्ट्रेज इन हिज पोएम, लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स अपने आप को कर्स्ड मानते हैं, ह्यूमन बींग्स काफी छोटी छोटी चीजों पे क्रिप करते हैं, क्राई करते हैं, ठीक है, और मतलब ये पाप पुण्य इसका भाई साहब कार्यक्रम बहुत अग्रेसिवली चलाते भी हैं, गॉड पे भी अपना बिलीव दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ना खुश हैं, ठीक है। ही ऑब्जर्व्स दैट ह्यूमंस डोंट हैव दोज क्वालिटीज विच एनिमल्स पजेस, सच एज साइंस ऑफ लव, ठीक है, क्वाइटनेस, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, पेशेंस, सिंपथी एक्सेट्रा, ये जो भाई साहब एनिमल्स में देखने को मिलता है ये जनरली ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, द पोएट हैज डीप एस्पिरेशन टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स सिंस दे एक्सप्रेस देयर डीप कंसर्न विद देम, ठीक है, तो यहां पे इनको भाई साहब बहुत एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन मतलब बहुत इच्छुकता है कि एनिमल्स के बारे में और डीपली जाने और अपने जीवन में भी एनिमल्स के एटीट्यूड को उतार पाए, ठीक है, दैट्स वॉट द पोएट इज डिजायरिंग हियर, ठीक है। They express their deep concern with them. They do not possess any kind of falsehood. इनमें भाई साहब कोई फॉल्स पना नहीं है, ठीक है, कोई फेकनेस नहीं है, एनिमल्स में कोई फेकनेस नहीं है, हम इंसान भाई साहब फेकनेस से भी भरे हुए हैं, ठीक है। आप एक बहुत सिंपल सा है, कोई आपको देखकर अगर स्माइल कर रहा है आप बता सकते हैं ये फेक वाला स्माइल है, ये एक्चुअली जेन्युइनली वो इंसान आपको देखकर स्माइल कर रहा है, कैन यू से दिस राइट, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, इस चीज का हमको एहसास हो गया है, ठीक है, वी बेसिकली आर matured enough to understand and realize this, ठीक है, तो हमारा बहुत सारा falsehood भरा है, ठीक है, मतलब आप किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं लेकिन मनी मन चाह रहे हैं कि जूता खोल के उसको मारे, ठीक है, आप भाई साहब ऑफिस में एंटर कर रहे हैं, आपके बॉस को गुड मॉर्निंग झक मार के आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप गाली दे रहे हैं, तो हमारा पूरा कार्यक्रम ही falsehood से भरा हुआ है, ठीक है, वी आर बेसिकली पूरे पूरे falsehood से भरे हुए हैं, जो एनिमल्स में नहीं है वो जैसा है वैसा, ठीक है। द पोएट इज मच अमेज्ड एट देयर क्वालिटी, तो ही इज मच अमेज कि ये बड़े ही सिंपल रहते हैं और जो भी इनका रॉ एक्सप्रेशन होता है वही इनका एटीट्यूड भी होता है और वही इनका बिहेवियर भी होता है, ठीक है। He desires to earn them though he had left them carelessly. He desires to earn them though he had left them carelessly. मतलब ये जो एनिमल्स का बिहेवियर, एटीट्यूड, नेचर और थॉट प्रोसेस है, ऐसा पोएम अपने जीवन में भी लाना चाहते हैं, ठीक है। He feels that the life of a man is full of stress, ठीक है, है भाई साहब स्ट्रेस है, ए, ए, नहीं पूछ रहा हूं आपके जीवन में, हमारे जीवन में तो चलो है ही, ठीक है, आपके जीवन में है स्ट्रेस है क्या भाई साहब? नहीं, मेरे को हाँ ना बोलने के लिए नहीं, फील करते हो क्या स्ट्रेस है? नहीं है भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो यू डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट एट ऑल, स्ट्रेस है कि नहीं मैं बता दूं, कभी है लास्ट एग्जाम तुम्हारा? हाँ, 5 अक्टूबर को एमिनार का एक भी बच्चा नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूं। ओह, वी वर टू स्ट्रेस्ड अबाउट द एग्जाम्स,
ये मैं आपको एकदम रॉ बता रहा हूं, नहीं आएगा बोल के मेरे को कोई वो नहीं है, ठीक है आप छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन आप यही बोल के छुट्टी लेंगे कि भाई वी वे वेट टू स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है। तो स्ट्रेस्ड आउट, स्ट्रेस तो है भाई साहब, स्ट्रेस आता किस लिए है? व्हाई डू यू फील स्ट्रेस्ड? एनिमल्स को स्ट्रेस नहीं होता है, एनिमल्स का बॉडी स्ट्रेस होता है, बॉडी स्ट्रेस होता है मतलब जो वो भूखे हैं, ठीक है, तो वो एक अलग स्ट्रेस है, उसमें आपका स्ट्रेस होता है, ठीक है। इफ यू